बचपन में लोगों ने सीखा था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते कौन से। अगर हमें इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना पड़ जाए कि मेरे पापा खड़े हैं, मेरी मम्मी बैठी है, मेरे दोस्त खड़े हैं, तो इस तरह की बातों को फिर आप कौन से सेंटेंसेस से बोलोगे या कौन से ग्रामर के साथ बोलोगे या कौन से टेंस के साथ बोलोगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सही पहचान क्या होती है। दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सही पहचान ये होती है, सबसे पहले इसके नाम को देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटीन्यूअस यानी काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसकी सही पहचान होती है कि प्रेजेंट में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डूअर किसी भी काम को कर रहा है। अब चाहे सेंटेंस के एंड में खड़ा है आ जाए, या सेंटेंस के आगे में बैठा है आ जाए, या सेंटेंस के बाद में रही है, रहे है आ जाए। तो आइएगा, इसकी पहचान ये होती है कि जब भी आप किसी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि मेरा भाई खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, तो दोस्तों ये भी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ही टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो सबसे मेन पहचान है वो है कि प्रेजेंट में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डूअर किसी भी काम को कर रहा है। तो आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस तरह की बातें हमें इंग्लिश में बोलनी कैसे है। दोस्तों इस तरह की बातों को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो सहारा लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है इज, एम और आर का, इज, एम और आर। जी हाँ, अब इनको चुन लेते हैं कि किसके साथ में इज आएगा, किसके साथ में एम और किसके साथ में हमें आर लगाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एम के बारे में। एम केवल और केवल आई के साथ में आएगा और इसी ही केवल और केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही, प्रेजेंट में ही आई के साथ में एम आता है। और एम केवल एक ऐसा वर्ड है जो केवल और केवल आई के ही साथ में आता है। तो आई एम, और यहां पर जो भी आप एक्शन लगा रहे हैं आपको उस एक्शन की स्पेलिंग में लगाना पड़ेगा आई एन जी, क्योंकि आई एन जी का मतलब ही होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम और एक्शन में आई एन जी। अब सेंटेंस चाहे कुछ भी हो सकता है हिंदी में, आप सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूं, आप सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं कि मैं खड़ा हूं, आप सेंटेंस ये भी बोल सकते हैं कि मेरा भाई बैठा है, मेरा भाई बैठा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आई के साथ में आपको यहां पे एम लगाना पड़ेगा और एक्शन में आई एन जी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि मैं स्मोक कर रहा हूं, तो आई के साथ में आपको एम लगाना पड़ेगा, आई एम, और यहां हम लगा देंगे स्मोकिंग। अब क्योंकि काम चल रहा है तो हमें एक्शन में आई एन जी लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो अब हमारा पूरा सेंटेंस बनता है आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग। या हमने दूसरा सेंटेंस लिया कि मैं डांस कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, तो हमें यहां पे डांस की स्पेलिंग में आई एन जी लगा देना पड़ेगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। या मैंने लिया कि मैं गाली दे रहा हूं, तो गाली देने को इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज, और अब हमें यहां पे अब्यूज में भी आई एन जी लगा देना पड़ेगा आई एम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा कि आई एम अब्यूजिंग, आई एम अब्यूजिंग। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं आर के बारे में, दे, वी, यू, इन सभी के साथ में हमें लगाना पड़ता है आर, और एक्शन में तो आई एन जी आएगा ही आएगा क्योंकि काम चल रहा है। जैसे मैंने बोला यू जा रहा है यानी आप जा रहे हो, तो यू आर गोइंग। आप डांस कर रहे हो तो यू आर डांसिंग। आप गाली दे रहे हो तो यू आर अब्यूजिंग। वे गाली दे रहे हैं तो दे आर अब्यूजिंग। वे स्मोक कर रहे हैं तो दे आर स्मोकिंग। हम स्मोक कर रहे हैं तो वी आर स्मोकिंग, वी आर स्मोकिंग। इस टाइप से आपको इंग्लिश में इस तरह की बातों को बोलना है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ में आपको शी या फिर ही या फिर इट या फिर कोई भी एक बंदा, जैसे हमने ले लिया मुकेश, इन सभी के साथ में आपको इज लगाकर एक्शन में आई एन जी लगाना है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वो जा रहा है तो ही इज गोइंग, वो खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वो स्मोक कर रहा है तो ही इज स्मोकिंग, बारिश हो रही है तो ये सेंटेंस हमें इट के साथ में बोलना पड़ेगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। मुकेश आ रहा है तो मुकेश इज कमिंग, मुकेश इज कमिंग। और अगर हम बात करते हैं कि इस टाइप की बातों के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया, भाई साहब तुम जा रहे हो क्या, तुम जा रहे हो क्या, तो ये क्वेश्चन यू से बनेगा। और यू से क्वेश्चन बनाने के लिए हमें दोस्तों आर का सहारा लेना पड़ेगा, फिर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा आर यू, और जो भी एक्शन है उसमें हमें आई एन जी लगाना पड़ेगा, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। जैसे हमने क्वेश्चन बनाया, भाई साहब तुम स्मोक कर रहे हो क्या, तो आर यू स्मोकिंग। भाई साहब आप डांस कर रहे हो क्या, तो आर यू डांसिंग। भाई साहब आप गाली दे रहे हो क्या, तो आर यू अब्यूजिंग।
आर यू अब्यूजिंग, इस टाइप से हमें ये वाले क्वेश्चन बनाने हैं। यहां पर हम दे भी लगा सकते हैं, भाई सब क्या वे गाली दे रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आर दे अब्यूजिंग, क्या वे आ रहे हैं तो आर दे कमिंग, क्या वे खेल रहे हैं तो आर दे प्लेइंग, क्या वे स्मोक कर रहे हैं तो आर दे स्मोकिंग। और अगर बात की जाए ही के बारे में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ही का क्वेश्चन हमें इसके साथ बनाना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि भाई सब क्या वो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप इसके साथ बनाएंगे इज ही, और यहां पर आपको एक्शन में आई एन जी ही लगाना पड़ेगा क्योंकि काम चल रहा है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, क्या वो जा रहा है तो इज ही गोइंग, क्या वो स्मोक कर रहा है तो इज ही स्मोकिंग, क्या वो डांस कर रहा है तो इज ही डांसिंग, क्या वो गाली दे रहा है इज ही अब्यूजिंग, क्या वो झूठ बोल रहा है इज ही टेलिंग ए लाई। तो इनके क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इज एम आर को ही शुरू में लगा देना है, आप जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग, वो जा रहा है क्या, इज ही गोइंग। और अगर हम बात करें इनको नेगेटिव हमें कैसे बनाना है, तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव बनाने के लिए आपको इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट के साथ ही बोलना पड़ेगा, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं स्मोक नहीं कर रहा तो आई एम नॉट स्मोकिंग, वो स्मोक नहीं कर रहा तो ही इज नॉट स्मोकिंग, मेरे दोस्त गाली नहीं दे रहे तो माई फ्रेंड्स आर नॉट अब्यूजिंग, माई फ्रेंड्स आर नॉट अब्यूजिंग। तो दोस्तों सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो होता है कि आप प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हैं, सेंटेंस के बाद में रहा है, रही है, खड़ा है, खड़ी है, बैठा है, बैठा है, कुछ भी आ सकता है, बैठा है, बैठी है, खड़ा है, खड़ी है, रहा है, रही है। तो हमें आज के बाद ये वाली पहचान नहीं बनानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं, नहीं, जिन वाक्यों से आप प्रेजेंट में किसी भी काम को कर रहे हैं ये बात बताना चाहते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इनकी बातें होती हैं इज एम आर के साथ और एक्शन में आता है आई एन जी। और दोस्तों अब आपको तीन चार सेंटेंसेस बना रहे हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मेरा भाई बैठा है, मेरी मम्मी बर्तन साफ कर रही है, और बर्तन साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू द डिशेज, यानी बर्तन साफ करना। आप इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश को बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं चेक करके आपको एक हार्ट दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।